नमस्कार, दैनिक भास्कर की मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में आपका स्वागत है। मैं हूं पुष्कर द्विवेदी। आज शुक्रवार है, तारीख 19 मई, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि। देख लीजिए वो खबरें जो रही सुर्खियों में। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में फिल्म द केरला स्टोरी पर बैन के फैसले पर रोक लगा दी है। बंगाल सरकार ने 8 मई को फिल्म पर बैन लगाया था। इसके खिलाफ प्रोड्यूसर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। अदालत ने कहा कि फिल्म को सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेशन देने के खिलाफ भी अर्जी दाखिल की गई है, इसलिए सुनवाई से पहले हम भी फिल्म देखना चाहेंगे। साथ ही ये भी कहा कि फिल्म देखने जाने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। 20 मई को बेंगलुरु में सिद्धारमैया कर्नाटक के सीएम और स्टेट कांग्रेस चीफ डीके शिवकुमार डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे। शिवकुमार 50-50 के फॉर्मूले पर राजी हुए हैं, यानी पहले ढाई साल सिद्धारमैया सीएम रहेंगे और बाद के ढाई साल डीके। हालांकि सरकार चलाने में कोई भी डिसीजन डीके की सहमति के बिना नहीं लिया जाएगा। उनके विधायकों को पसंद के मुताबिक पोर्टफोलियो भी दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनी ये बिल्डिंग पीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट है। कर्तव्य पथ संसद भवन के अलावा प्रधानमंत्री का ऑफिस, घर, सेंट्रल सेक्रेटरिएट की बिल्डिंग और वाइस प्रेसिडेंट एनक्लेव भी सेंट्रल विस्टा पावर कॉरिडोर का हिस्सा है। नए संसद भवन का निर्माण 15 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था, जिसे 28 महीने में पूरा कर लिया गया। ज्ञानवापी में कथित शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे और कार्बन डेटिंग के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 12 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कथित शिवलिंग की सही उम्र पता लगाने को लेकर कार्बन डेटिंग और सर्वे का आदेश दिया था। इसी आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। 16 मई 2022 को ज्ञानवापी परिसर के वीडियो में सर्वे के दौरान कथित शिवलिंग पाया गया था। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के घर से भाग रहे 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब प्रांत की सरकार के मुताबिक खान के लाहौर के जमान पार्क वाले घर में 40 आतंकी छिपे हैं। पाकिस्तान के होम मिनिस्टर राणा सनाउल्लाह का कहना है कि 8 मई को खैबर पख्तूनख्वा से करीब 88 लोग जमान पार्क आए थे। इन्हीं लोगों ने 9 मई को जिन्ना हाउस, आर्मी हेडक्वार्टर और ISI हेडक्वार्टर पर हमले किए थे। अब देख लीजिए वो इवेंट्स जिन पर रहेगी आज हमारी नजर। पीएम मोदी G7 की 49वीं समिट में हिस्सा लेने जापान जाएंगे। IPL में पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला होगा। और अब थॉट ऑफ द डे। अच्छी हॉबीज आपके काम को और अच्छा बनाती हैं। तो आज की बात बस यहीं तक, कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए देखते और पढ़ते रहिए दैनिक भास्कर ऐप।